और भी गिर सकते हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं खाने के तेल का पैक, जैसे कहा गया कि ओवरऑल अक्रॉस सेक्टर बेरिशनेस है? हाँ मनीषा जी, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो करीबन 112-113 लाख टन की क्रॉप है सरसों की। वहां पर अगर हम देखें तो 8 से 9 लाख के आसपास कैरी फॉरवर्ड भी है। हालांकि क्रॉप थोड़ी बहुत कम है, मगर कैरी ओवर की वजह से काफी अच्छी क्वांटिटी है। और अगले साल भी, जैसा कि इंडिकेशन है कि अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हम करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे या फिर अगर हम सोया ऑयल की बात करेंगे, तो वहां पर भी हमने काफी भावों में गिरावट आते हुए देखी है। इम्पैक्ट जो है वो डिमांड साइड से है। डिमांड अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ कम देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखे थे। अक्रॉस द अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर अभी प्राइस जो है वो काफी डाउन साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरनेशनल भी हमने पाम का प्राइस नीचे आते हुए देखा है। सरसों सोयाबीन के भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि अगर हम बात करें तो 3 महीने बाद आपको फेस्टिवल सीजन आते हुए दिखाई देंगे अगस्त से, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। मगर तब तक, क्योंकि भारत में अभी देखे तो गर्मी का सीजन है और जनरली समर सीजन में डिमांड कम देखने को मिलती है, तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी कुछ और जो है भावों में नरमी का रुख आने वाले 1 या 2 महीने में और देखने को मिलेगा।